हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए हमने गाजर लिया है ग्रेट करके, 1.5 kg इलायची लिया है हमने 2 से 3, इसके छिलके आप चाय पत्ती में इस्तेमाल करिएगा, सिर्फ सीड्स का पाउडर बनाया है। ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने काजू, किशमिश, बादाम 2 टेबल स्पून लिया है ईच, और देसी घी लिया है हमने 1/2 कप, खोया लिया है हमने 3 टेबल स्पून, और कंडेंस मिल्क लिया है हमने 400 ml, और 800 ml हमने फुल फैट मिल्क लिया है अपना गाजर को पकाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। ये हमने कढ़ाई में दूध और गाजर डाल दिया है पकने के लिए। जब इसमें से थोड़ा एक्सेस पानी सूख जाएगा, गाजर हल्की पक जाएगी, इसके बाद अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं 400 ml। अब हम इसको फिर से पकाएंगे, और कंडेंस मिल्क से काफ़ी रिच टेस्ट आता है। चाहे तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क ऑलरेडी काफ़ी स्वीट होता है, तो हमने इसमें शुगर अलग से नहीं डाली है। अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इसमें हमने इलायची पाउडर भी डाल लिया है। मीडियम फ्लेम में इसको चलाएंगे 15 से 20 मिनट। अब हम इसके बाद इसमें घी डालेंगे धीरे धीरे। हमने 3 टेबल स्पून घी का हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने अभी धीरे धीरे डाल दिया है। अब इसको फिर से पकाएंगे चलाते हुए 10 से 15 मिनट। फ्लेम आप मीडियम टू लो ही रखिएगा। हमारा हलवा पकने लग गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपके पिस्ता हो, काजू, किशमिश। तो अब हम इसको ड्राई फ्रूट डाल के फिर से पकाएंगे 3-4 मिनट और। ड्राई फ्रूट आप कैसे भी चॉप कर सकते हैं, साबुत भी, बारीक भी, चाहे तो आप इन्हें क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट डाल लिया है, इसको चलाते हुए अब हम पकाएंगे। थोड़ा हमने इसमें खोया डाला है, थोड़ा खोया हम गार्निश के लिए रखेंगे। तो इसको चलाते हुए पकाइए 3 से 4 मिनट, और बहुत ही अच्छा बनेगा इस तरीके से, बहुत ही आसान है। और हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, देख लिए हमारा गाजर का हलवा कितना बढ़िया लग रहा है। सर्दियों में बनाइए, आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।